my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. So hey guys, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर फीलिंग वेल, स्टेइंग सेफ एंड हेल्थी। तो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, स्पेशली फॉर ब्राइड एंड टू बी ब्राइड दोनों के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं अपना मतलब न्यूली मैरिड लुक क्रिएट करूंगी। मैंने न्यूली मैरिड लुक डाला है, ये मेरा न्यूली मैरिड लुक पार्ट वन होगा जो बहुत स्पेशल होने वाला है, बहुत यूनिक और बहुत अच्छा होने वाला है। तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर करना और प्यार देना। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है एक अनोखी और मैं अनू करके, दो आईडी है। तो दोनों मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो न्यू वीडियो के लिए, फैशन GW मतलब गेट रेडी विद मी, मतलब और भी फनीज वीडियोस के लिए, ड्रेसअप के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपके लिए मैं इंस्पिरेशन हो सकती हूँ गाइस। तो स्टार्ट करता है मैं न्यूली मैरिड लुक का, वो मतलब लुक क्रिएट करूँगी और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जिसको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता, बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं पता क्या लगाते क्या नहीं लगाते, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप मेकअप बताऊंगी, अपना हेयर स्टाइल बताऊंगी आपको, साड़ी ड्रेपिंग भी बताऊंगी। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना, और जो आपको लगे कि मुझे सजेस्ट करना चाहिए वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसको इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। बाकी गाइस मैं आपको अपना मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं वीडियो बना रही थी मैं 100% राइट हूँ। आप हो सकता है मुझे बहुत चीज़ें नहीं आती होंगी, तो उसके लिए आप मुझे गाइड कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, तो मैं वो ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। बाकी आपको जैसी वीडियो चाहिए आप कमेंट करना, मैं आपके लिए वो हो सके मतलब 100% नहीं कर रही हूँ पर कोशिश करूँगी मैं आपको उस चीज़ के ऊपर, आपका जो भी है वो मैं आपकी डिमांड को पूरी कर सकूँ। तो चलो स्टार्ट करते गाइस। मेकअप के लिए सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है कि आपको जो मेकअप करना, आपने मतलब कभी ऐसे पार्लर में बहुत लोग होते हैं जिन्होंने कभी मेकअप नहीं कराया होता, उनके लिए कि पहले ना आप ऐसे न्यूली ब्राइड का मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हो, या आप किसी का मेकअप कर रहे हो, या आपका कोई क्लाइंट है, या कुछ भी एनीथिंग, तो सबसे अच्छा प्रोसेस क्या होता है कि आपको टाइम ना वेस्ट करना पड़े, या खींच पीच ना हो, या आपको गुस्सा ना आए, बहुत अच्छे से सब कुछ क्लीन एंड मतलब अच्छा सा हो हो जाए। तो उसके लिए होता है पहले आपने मेकअप का सेटअप तैयार करना है। आपको जो एसेसरीज चाहिए, ड्रेस चाहिए, मेकअप के जितने भी प्रोडक्ट हैं, या जो कुछ भी अपने स्टेप बाय स्टेप वो मतलब लगाना या आपने यूज़ करना, वो सब ना पहले एक अच्छे से मतलब टेबल हो या बेड हो, आप कहीं पर ना सब कुछ अच्छे से रख लो। हेयर क्लिप्स हो गई, टिकटॉक वाली क्लिप्स हो गई, हेयर पिन हो गई, ब्रशेज हो गया, पैलेट्स हो गए, लिपस्टिक वगैरह हो गए, सेट्स हो गए, आपको क्या चाहिए वो सब कुछ है बन ऐसे प्रॉपर अच्छे से, आपको कुछ को बार बार निकालना नहीं पड़े, मुझे हेयर पिन चाहिए, ढूंढो इधर है उधर है कहाँ है, उससे अच्छा आप पूरा अच्छे से अपना सेटअप तैयार कर लो। फिर गाइस मेकअप के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको फेस को अच्छे से क्लीन करना। फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, साबुन यूज़ कर सकते हो, क्लींजर यूज़ कर सकते हो, जिस चीज़ को आप ज़्यादा रिकमेंडेड करते हो या जिसको आप अच्छा समझते हो वो आप यूज़ करो। मतलब ऐसा नहीं है कि क्लींजर अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि फेस वॉश अच्छा होता है कि हम किसी एक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नहीं नथिंग, ये ऐसा नहीं हो सकता। हर किसी के लिए अपना रोल है, अपना फ्रीडम है भाई, कोई कुछ भी यूज़ करता है, हर किसी की मतलब फैसिलिटी एक जैसे नहीं होती कि नहीं मतलब मेकअप करना है ब्राइडल मेकअप करना है तो हमें क्लींजर यूज़ करना है, नो ऐसा नहीं होता भाई। हर कोई अब एक ही चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, तो आपको जो अच्छा लगता है वो करो, बस फेस एकदम क्लीन होना चाहिए ठीक है, वरना आप वो टिश्यू पेपर आता है नैपकिन साथ ही आप उससे क्लीन कर सकते हो, अच्छे से फेस वॉश करके क्लीन कर लो गाइस। कि कोई भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, जो भी आपको ब्रांड अच्छा लगता है, किसी के थ्रू नहीं, हर सबकी स्किन अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट होता है, ये नहीं कि मैं ये लगा रही हूँ तो आप भी यही लगाओ, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो हर किसी को सूट करे। सबकी स्किन का कलर अलग होता है, स्किन टोन अलग होती है, स्किन का मतलब क्या बोलते हैं सॉफ्टनेस, या किसी की ड्राई है, ऑयली है, नॉर्मल है, नॉर्मल टू ड्राई है, ड्राई टू ऑयली, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप की स्किन होती है। तो आपको सबको अपने अपने स्किन के अकॉर्डिंग करना है। तो मैं सबसे पहले गाइस मैंने फेस वॉश कर लिया है, और मैं सबसे पहला स्टेप गाइस टोनर यूज़ कर, मतलब स्प्रे टाइप का टोनर होता है, पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लो, ऐसे स्प्रे करके ऐसे अप्लाई करना, और पूरे थोड़ा सा इसको ऐसा नहीं ऐसे फेस पे डैब डैब करके ऐसे इसको ऐसे करने की ताकि ये शो कर ले, थोड़ा सा गैप देना है
आपको मतलब कोई भी प्रोडक्ट यूज करना है उसके तुरंत बाद आपने ऐसे कुछ भी दूसरा तुरंत प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम देना है, गाइस थोड़ा सा टाइम देना उसको, ये पूरा अच्छे से सोक हो गया है। फर्स्ट स्टेप होता है गाइस टोनर, एंड देन हम उसके बाद अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट, वो कर रहे हैं हम मॉइस्चराइजर। आपको गाइस मॉइस्चराइजर अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेना है, जैसे आपकी स्किन है, किसी की नॉर्मल होती है, किसी की ड्राई होती है, तो मेरी स्किन ड्राई है तो उसके अकॉर्डिंग जो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। और गाइस सबसे पहली बात, मॉइस्चराइजर अच्छा यूज़ करना बहुत कंपल्सरी है अगर आप थोड़ा हैवी मेकअप कर रहे हो, या लॉन्ग लास्टिंग मेकअप रखना, या आप मतलब ज़्यादा मेकअप करने का शौक है, न्यूली मतलब जब किसी की शादी होती है, वैसे आप बहुत रेयर होते हैं कि ज़्यादा मेकअप करते हैं, पर शादी होने के बाद बहुत लोगों को जिसको मेकअप करना ज़्यादा पसंद होता है, या उनका ऐसा कल्चर या उनका ऐसा रूल होता है कि मेकअप करके रखना है, न्यूली ब्राइड है तो कुछ टाइम तक लोग परमानेंट मेकअप डेली मेकअप करके रखते हैं ऐसे, तो उसके लिए अच्छा है कि मॉइस्चराइजर लगाओ कि ताकि आपकी स्किन बहुत अच्छे से सॉफ्ट और स्मूथनिंग के साथ बनी रहे। और अच्छा मेकअप के टेक्सचर के लिए मॉइस्चराइजर का अच्छा होना बहुत कंपल्सरी है, तो मॉइस्चराइजर बहुत मतलब अगर आप बाय कर सकते हो तो थोड़ा अच्छा बाय करो कि आपको स्किन को कोई इफेक्ट, आपकी स्किन को कोई इफेक्ट ना पड़े, और मतलब मेकअप का बहुत क्लीन और स्मूथनिंग से लगे, बहुत नेचुरल सा मेकअप लगे, टेक्सचर इसी के ऊपर बेस होता है, तो बहुत अच्छा सा बेस के लिए मॉइस्चराइजर ज़रूरी है गाइस। वैसे भी मॉइस्चराइजर को लोग अपनी स्किन केयर की रूटीन में, मॉर्निंग का स्किन केयर रूटीन है, नाइट स्किन केयर रूटीन में मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाते हैं। तो गाइस मेरी ड्राई स्किन है, मैं बता रही हूँ ब्रांड बता रही हूँ, बट आपको ज़रूरी नहीं आप यही ब्रांड यूज़ करो, जिस ब्रांड से आप सेटिस्फाई हो, आपको लगता है ये अच्छा है, अच्छा मतलब प्रोटेक्ट करता है, आप उसको बाय कर सकते हो। ये फ्लोरा का है, ग्लो एंड मॉइस्चराइजर है, फ्लोरा ब्रांड है इसका, थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव हो जाता है, बट इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, वैसे इसको किसी भी टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं, तो बस आप ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो तो, बट अगर नहीं मैं कोई आपको रिकमेंडेड नहीं कर रही कि आपने 100% ये ट्राई करना, आप कुछ भी कर सकते हो। गाइस ये हो क्या, मैंने दो प्रोडक्ट लगा लिया गाइस, आप स्टेप बाय स्टेप नोटिस करना क्या क्या लगाया, और लास्ट में मेरा मेकअप देखना कि मैं कैसा, आप मुझे उसमें से आउट ऑफ 10 मार्क्स कर सकते हो मैंने कैसा मेकअप किया है। तो ये मैंने लगा लिया, अच्छे से फेस को ऑब्जर्व करना है, एंड गाइज देन उसके बाद हमें प्राइमर लगाना है। गाइज प्राइमर को हमें कभी स्किप मेकअप, अगर हमें हाइलाइटर, ब्लशर, मतलब कंसीलर, करेक्टर ये सब यूज़ करना है, तो हमें कभी भी ये क्या बोलते हैं प्राइमर स्किप नहीं करना चाहिए, प्राइमर लगाना कंपल्सरी क्यों होता है मैं ये बताती हूँ। डेली डेली हम मेकअप यूज़ करते हैं, मेकअप ऐसा तो है नहीं कि कोई नेचुरल कलर से बना है, तो केमिकल ही आप मतलब हर प्रोडक्ट में अलग अलग केमिकल यूज़ होता है, किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को एलर्जी हो जाती है, तो आपको कुछ ना हो, कोई इफेक्ट ना पड़े, आपको क्या पता कोई प्रोडक्ट सूट ना करे पर वो आपकी स्किन के अंदर तक ना जाए, तो इसके लिए कंपल्सरी होता है कि आप लगाओ मॉश मतलब ये क्या बोलते हैं प्राइमर, प्राइमर लगाना बहुत कंपल्सरी होता है, वो आपकी स्किन इसके ऊपर हम जो भी प्रोडक्ट लगाएंगे वो आपकी स्किन तक नहीं जाएगा। ये ऐसे होती है ना मतलब जैसे पानी होता है, अगर हम उसके ऊपर लिफाफा मतलब कोई चीज़ है और हम सोचते हैं उसके नीचे पानी है, तो बहुत लोग ऐसे पॉलीथीन का वो यूज़ करते हैं, कुछ उस टाइप का ये है कि आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, तो एक पतली सी लेयर बन जाती है आपकी स्किन और मेकअप के बीच में, जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, कोई हार्म नहीं होता है, कोई स्किन आपके कोई प्रोडक्ट आपकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो थोड़ा सा आपकी स्किन को प्रोटेक्शन हो जाती है बाय प्राइमर यूज़ करने से, और फेस थोड़ा ग्लोइंग हो जाता है, मेरा फेस देखो एक के बाद एक थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। एंड गाइज अब मैं लगाऊंगी
फाउंडेशन। तो फाउंडेशन कैसे चॉइस करना है कि मैं कौन सा फाउंडेशन लूँ? हर किसी की स्किन अलग होती है, फाउंडेशन भी ड्राई स्किन के वालों के लिए अलग होता है और ऑयली स्किन वालों के लिए अलग होता है। तो आपका आप अलग कर सकते हो गाइस। फाउंडेशन कभी भी बहुत लाइट भी नहीं लेना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि आपका कलर नॉर्मल, मतलब ऐसे बहुत गोरे भी नहीं हो, बहुत वो भी नहीं हो। तो बहुत अपने स्किन के अकॉर्डिंग लेना है, ऐसा भी नहीं लगे कि मेकअप कर लो तो आपको लगे कि मतलब भाई बहुत अलग ही लगे कि साफ पता चले आपने ऐसे किया है। तो अपनी स्किन से ऐसे मतलब ऐसे जब लेते हो तो वो वैसे चेक करके देते हैं, हर किसी को अपने शेड का एक बार ट्राई कर लेना अपनी स्किन पे। या फिर आप अपनी स्किन का जो आपका फेस की स्किन का कलर होता है उससे एक कलर लाइटर लेना होता है हमेशा। आप इसको किसी तरह भी अप्लाई कर सकते हो, फिंगर से भी, ब्रश से भी, या जैसे आपको सूटेबल होता है ऐसे डैब डैब करके लगा लेना होता है। अगर गाइस जैसे आप आप किसी का मेकअप करते हो तो आपको एक चीज़ और है कि अगर आपके पास ऐसा होता है कि सब अगर आपके पास 10 लोग हो तो पक्का सबका स्किन कलर का टोन अलग, 10 लोग हो तो 200 का अलग होगा, सेम नहीं हो सकते किसी। तो आपने फाउंडेशन कैसे अप्लाई करना है उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है, आप दो फाउंडेशन लो, एक नॉर्मल हो और एक थोड़ा लाइट हो। आप उस स्किन के अकॉर्डिंग हल्का सा दोनों को मिक्स मैच करके जिसकी स्किन जैसी है थोड़ा ज़्यादा वाइट कम वाइट उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो अच्छे से। तो आप सिर्फ दो फाउंडेशन लो और उससे कई स्किन टोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। और गाइस ऐसे अच्छे से सेट कर लेना है अच्छे से स्पॉन से डैब डैब करके। गाइस इसको सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, ऐसा मतलब कि इस पर जम गया। बहुत अच्छे से स्किन पे टेक्सचर देना है कि इसमें ऑब्जर्व हो जाए, कहीं से लगे ना, पूरी स्किन पे सेम होना चाहिए। थोड़ा सा नेक पे भी अप्लाई कर लो कि ऐसा ना हो फेस बहुत अच्छा लगे और नेक से पता लगे कि आपने मेकअप किया। तो नेक पे भी अप्लाई कर लेना चाहिए सब कुछ, ऐसा नहीं है सिर्फ फाउंडेशन, सब कुछ प्राइमर मॉइस्चराइजर वगैरह भी थोड़ा सा नेक पे भी। और इसको अच्छे से सेट कर लो ऐसे डैब डैब के, बहुत प्रेशर नहीं डालना होता है, हल्के हाथों से आप अच्छे से सेटिंग कर लो। जैसे देखो मैंने ये लगा लिया, मैंने 4 चीज यूज कर ली है। अब आती है फिफ्थ स्टेप की बारी। तो गाइस वैसे मेरे डार्क सर्कल है नहीं, कुछ ऐसे फेस पे है नहीं कि मुझे कहीं डार्क सर्कल, तो मुझे करेक्टर की ज़रूरत पड़े। बहुत लोग करेक्टर भी यूज़ करते हैं प्लस कंसीलर यूज़ करते हैं, तो मुझे वैसे कंसीलर की भी नीड नहीं है, बट मैं मेकअप बता रही हूँ, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना ज़रूरी है, तो उसके लिए कंपल्सरी है मैं ये लगा रही हूँ कंसीलर। कंसीलर को आप जहाँ पे हाइलाइटर यूज़ करते हो ना उसकी जगह लगाना होता है, जहाँ पे आपके थोड़े ब्लैक से हों कि पता ना चले, ब्लैक जो ब्लैक एरिया होता है कहीं पे आपको डार्क स्पॉट्स होते हैं उसको हाइड करने के लिए होता है, ऐसे यूज़ करते हैं मैक्सिमम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा और स्किन के अलावा ब्लैक होता है ये नोज़ के पास और आईज़ के पास। ऐसे करके फिर आप इसको भी अच्छे से वो कर लेना होता है, स्पॉन से मैश कर लेना होता है अच्छे से ऐसे करके। अब गाइस यहाँ पे हम अच्छे से इसको डैब डैब करके अच्छे से कर लेंगे कि पता ना चले, बिल्कुल हर स्किन को एक जैसा टेक्सचर मिल जाए, कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क या डार्क स्पॉट्स वगैरह ना लगे। ऐसे डैब डैब करके अच्छे से उसको मतलब जो हमने फाउंडेशन लगाई थी या स्किन के साथ उसके साथ उसको मैच कर लेना है बिल्कुल ऐसे। ये इतना सा डन हो गया, उसके बाद हम सबसे पहले अब करेंगे आई मेकअप। तो आई मेकअप करने के लिए अच्छा सा बहुत क्लीन और बहुत ग्रेसफुल सा लुक आए तो उसके लिए हम आई से पहले कंसीलर अप्लाई करेंगे। उससे मतलब बहुत ब्रश बहुत स्मूथ चलते
अब कलर बहुत इन्हेंस हो के आता है जो भी कलर हम अप्लाई करते हैं, तो हमें ऐसे आँखों के ऊपर पहले कंसीलर यूज़ कर लेना है। इसको हमने ऐसे यूज़ कर लिया कंसीलर, आई मेकअप करना है जिसके लिए हमें, तो फिर हमें सबसे पहले इसको डैब डैब करके अच्छे से वो कर लेना है ऐसे ऐसे। गाइस मेरा आई मेकअप इतना डन है। अब कंसीलर तो हमने गाइस यूज़ किया था, उसके बाद हमने ये फ्लफी सा जो ब्रश होता है वो लेना है, फ्लफी सा जो ब्रश होता है वो लेना हो। और आपका आपके आई पैलेट मतलब किसी भी तरह आई का मेकअप कर सकते हो, जैसे आपकी ड्रेस है बहुत लोग जैसे ड्रेस होती है उस अकॉर्डिंग करते हैं, सेम कलर का करते हैं, कोई भी कलर हो, ग्रीन येलो पिंक एनीथिंग कोई भी कलर का, डार्क ब्लू ब्लैक जैसे भी, तो आप वो आपके ऊपर डिपेंड आप कौन सा लेते हो, सिंगल कलर भी कर सकते हो। वैसे तो बहुत ब्राइड या पार्टी मेकअप होता है तो वो आई थिंक, मैं ऐसे कंपल्सरी नहीं कह रही हूँ वही अच्छा होता है, बट मेरे अकॉर्डिंग कि तब अच्छा लगता है कि आप 2-3 सेट्स को यूज़ करके आई मेकअप करो, वरना तो सिंगल पिंक सा कलर आई थिंक या लाइट डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन लाइट कलर होते हैं डेली यूज़ के लिए। हम न्यूली ब्राइड है, घर में थोड़ा छोटा मोटा फंक्शन उसके लिए ऐसा यूज़ होता है। वैसे मेरी साड़ी भी पिंक है तो मैं वैसे पिंक मेकअप करने वाली हूँ, पर सबसे पहले हमें ये ब्राउन सा कलर है पता नहीं दिखेगा या नहीं, तो इसको पहले पूरी आईज पे अप्लाई कर लेना है, ऐसे लेना है ब्रश में ऐसे डैब करना है और थोड़ा सा इसको ऐसे क्लिक कर दो कि जो डस्ट सा था मुझे वो कलर कलर आए। तो सबसे पहले ऐसे स्टार्ट करना, इसको पूरे आईज पे करना है, ऐसे ऐसे करने से ना क्रीज लाइन बनना वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लीन या फिनिशिंग हो जाती है। अगर आपने दूसरा कलर अप्लाई करना है तो ऐसे हमने सेकेंड आईज में भी अप्लाई कर लेना है। गाइस ये मैंने एक कलर को अप्लाई कर लिया, मैं इसके ऊपर दूसरा कलर ये मतलब अप्लाई करूँगी। मेरी ड्रेस थोड़ी डार्क पिंक है, वैसे इसमें सेड नहीं है, ये दूसरी पैलेट में देख लेते हैं, अगर होगा तो ठीक है वरना फिर कुछ ट्रिक यूज़ करते हैं। सेम तो इसमें भी नहीं है, बट चलो फिर थोड़ा तो डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, इसी में से यूज़ कर लेते। ये सिंपल डार्क पिंक है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ सिंपल। ऐसे करने से क्रीज लाइन ना बहुत अच्छी होती है, उसके नीचे मैं करता ऐसे क्रीज लाइन बन जाती है बहुत अच्छे से। नीचे एक आईज का हो गया है, इसमें मैं सेकंड में भी ऐसे ही करूँगी। गाइस आईज में जब आई मेकअप करूँ थोड़ा सा इसको ऐसा मतलब स्किन को टाइट रखने की, फिर थोड़ा बहुत अच्छे से ब्रश चलता है और बहुत फिनिशिंग आती है। आईज मेकअप करते हुए सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है कि हमें मतलब ये ध्यान रखते हैं किसी में लाइट या किसी में डार्क नहीं, जो इन दोनों आईज में जो मेकअप है वो सेम। तो ये तो मैंने कलर अप्लाई कर लिया, मेरी ड्रेस जो साड़ी है वो डार्क पिंक और गोल्डन है, तो मैंने ये पिंक वो अप्लाई कर लिया। अब गोल्डन में सिमर यूज़ कर लेती हूँ, वो मैं फिंगर से करूँगी, बस ऐसे डैब करना और अप्लाई कर लेना ऐसे ऐसे करके। गाइस अब मेरा आई मेकअप डन है। गाइस अब मैं यूज़ करूँगी ये, इतना सा मेरा हो गया। अब उसके बाद गाइस मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से अपना पहले बेस अच्छे से सेट कर लूँगी। आप लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको अच्छे से स्किन को मतलब लॉक कर दूँगी, जो भी मैंने ये प्राइमर वगैरह ये लगाया इसको अच्छे से सेट कर लेना है, इसे सेट कर लेना है लूज पाउडर से या कॉम्पैक्ट पाउडर से। मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया, मैं यही यूज़ करती हूँ, मुझे ये ज़्यादा सूटेबल अच्छा यूज़ लगता है, बाकी आपको जो लगे आप वो कर सकते हो गाइस। एंड थर्ड मैं ये क्या बोलते हैं कंटूर नहीं कर रही हूँ, मैं ब्लशर लगाऊंगी। मेरी ड्रेस पिंक है तो मैं डायरेक्ट ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ, पिंक कर रही हूँ, डार्क पिंक कर लेती हूँ आज गाइस। तो मैं ये वाला कलर का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर की बारी है, हाईलाइटर गाइस आप लिक्विड यूज़ करो, ऐसे यूज़ करो कोई सा भी, तो मैं गोल्डन है तो गोल्डन टच में हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। पहले इसको आईब्रो का ऐसे जो उसमें से ये कर्ल्स होते हैं उसे ब्रश वाले जो हम ब्रश का किट लेते हैं उसमें भी मिलता है और इस अलग से भी होता है किसी चीज़ से भी ऐसे, पहले इसको अच्छे से सेट कर लेना होता है। उसके बाद आप जेल कलर से भी जिसकी आईब्रोज नहीं होती वो करता है डार्क होने के लिए हैवी होने के लिए, है तो आप पेंसिल यूज़ करके भी नॉर्मली आपको ऐसे ब्राइट मेकअप भी तो करना कर सकते ऐसे, वरना जेल यूज़ करते हो तो जेल यूज़ कर लो, वरना थोड़ा सा इससे पेंसिल से डार्क कर लो सेट कर लो। गया गाइस सेट,
अब गाइस क्या बचा है, आप जिसको काजल अच्छा लगता है वो काजल लगा सकता है, नहीं अच्छा लगता है तो स्किप कर सकता है, मैं नहीं लगाऊंगी। अब मैं लिपस्टिक की बारी है, तो मैं पहले लिप्स को अच्छे से, वैसे गाइस लिप बाम यूज कर सकते हो, लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अच्छे से लिप्स को मॉइस्चराइजर कर लोगे फिर लिपस्टिक लगाओगे तो उसमें बीच में क्रैक नहीं आएगा, बहुत फिनिशिंग आती है, मास्क वगैरह जो होता है वो हट जाता थोड़ी देर बाद। तो लिप्स को भी मॉइस्चराइजर करना बहुत ज़रूरी होता है, तो अच्छा सा कलर आए तो उसके लिए सेप या इधर उधर ना हो उसके लिए लिप लाइनर यूज़ करना ज़रूरी होता है। मैं लगाऊंगी लिपस्टिक, आप अपने मनपसंद की शेड वाली लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छी लगती हो। तो मैं जो ये थोड़ा वाइन कलर वाली ज़्यादा पसंद है तो मैं यही लगाती हूँ मोस्टली मैं, बाकी आप अपने पसंद की लगा सकते हो। रेड कलर की बिंदी लगा लेती हूँ गाइस, इसमें थोड़ा सा मेकअप बाकी, बट वो जो थोड़ा सा मेकअप बाकी है उसका मैं अपना साड़ी की ड्रेसिंग कर लूँगी, उसके बाद करूँगी। मुझे आईलैशेस और आईलाइनर लगाना और मस्कारा लगाना, वो मैं थोड़ा साड़ी पहनूंगी फिर करूँगी। उसके बाद गाइस आप फिक्सर यूज़ कर लो, फिक्सर यूज़ मेकअप को फिक्स करने के लिए, या मेकअप आपका बहुत होता है कि पसीना आ रहा है, गर्मी आ रही है, थोड़ी देर बाद ऐसे फैल सा जाता है, उसके लिए फिक्सर यूज़ करना कंपल्सरी। तो फिक्सर मेकअप फिक्सर यूज़ करें, अच्छा यूज़ करें। और मेकअप फिक्सर गाइस बहुत लोग क्या मोस्टली ऐसे डायरेक्ट यूज़ करते हैं, मैं डायरेक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ऐसे एक की लेती हूँ और इस पर जस्ट स्प्रे कर लेती हूँ मेकअप को, मेकअप फिक्सर को, और फिर इसे डैब डैब करके मैं ऐसे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ ऐसे। तो मैं मेकअप फिक्सर ऐसे यूज़ करती हूँ, ये मेरी ट्रिक है गाइस, ऐसे अच्छे से फिक्स कर लेती हूँ, अच्छे से फिक्स कर सकते हो, डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो गाइस, मैं नहीं करती, तो बस मैंने आपको बताया है कि क्या पता आपको भी मेरी ट्रिक अच्छी लगे और आप भी ऐसा यूज़ करो। ऐसे हर जगह करके मैं ऐसे ऐसे डैप करके मेकअप फिक्स गाइस ऐसे यूज़ करती हूँ, बाकी थोड़ा बहुत आई मेकअप बाकी है वो मैं बाद में करती हूँ। तो हेयर स्टाइल बना मिलती हूँ, मैं साड़ी ड्रैपिंग कर लूँ फिर थोड़ा सा जो स्टेप होता है साड़ी ड्रैपिंग में वो मैं बताऊँगी आपको, बाकी हेयर स्टाइल करती हूँ फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाकी इतना सा लुक मेरा कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस ये मैंने अपने ब्यूटीफुल सी साड़ी पहन ली है, कुछ बनारसी सा लुक है, और साड़ी भी मैंने ऐसे अच्छे से ड्रैप कर ली है। अब मेरी साड़ी कैसी लग रही है, और ये मेरा ब्लाउज है, मैंने ब्लाउज कलेक्शन में डाला है, आप वहाँ जाके प्लीज़ उसको चेक करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं बहुत ही न्यू से और ट्रेंडी से ब्लाउज और साड़ीज़ के कलेक्शन आपको दिखाऊंगी अगर आपने कमेंट किया या आप चाहते हो तो। बाकी मैंने साड़ी वेयर कर ली है गाइस, साड़ी वेयर करना वैसे मोस्टली सबको आता है, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो होती है, बनती नहीं है बहुत, तो आ तो हर किसी को जाएगा, बहुत सिंपल होता है, या आजकल का टाइम स्टिच भी करवा सकते हो, बट आपको ड्रेपिंग सीखनी है मुझसे और मेरे स्टाइल में तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊंगी। और पहली बात, और मैंने एक दो वीडियो डाल भी रखी है, पर और भी डालूंगी अगर आपको लिए हेल्पफुल हो सकती। तो चलो एक टिप्स बता देती हूँ साड़ी वेयर करना, अगर आपको साड़ी वेयर करना है और सैंडल पहनने उसके नीचे हील्स पहनी, तो पहले हील्स पहनो फिर साड़ी वेयर करो। आपने बहुत गर्ल्स को देखा वो साड़ी वेयर कर लेती है और वो जब चलती है ना तो पैर सैंडल दिखता है, तो उस पर वो लुक नहीं आता अगर वो फुल, उससे एक तो आपकी हाइट का पता नहीं चलेगा, आपने हील्स कितनी पहनी है, प्लस पॉइंट आई है गाइस साड़ी वेयर करते टाइम, अगर आपने हील्स साड़ी से दिख नहीं रहा, अभी मैं फुल वीडियो डालूंगी तो देखना मेरी यहाँ पे वैसे नज़र नहीं आ रही होगी, मैं डालूंगी तो देखना, मतलब मेरी हील्स ही देखेंगे, मेरे पैर या स्लीपर बिल्कुल नहीं दिखेंगे मैं चलूँ या कुछ भी करूँ, थोड़ा साड़ी को नीचे करके पहने, इससे आपकी हाइट भी लंबी लगेगी, आपकी साड़ी में आपको ज़्यादा अंदर कवर भी नहीं करना पड़ेगा, और आपकी हील्स का भी पता नहीं चलेगा नया पहना है पुराना पहना है मैचिंग का नहीं है तो कुछ भी। तो ये आपका प्लस पॉइंट, आपको साड़ी पहनने से पहले सैंडल या हील्स जो भी है वो वियर करनी है। तो गाइस मैंने साड़ी वाड़ी पहन लिया, मेकअप मोस्टली कर लिया, पहले हेयर स्टाइल बनाते हैं फिर जो थोड़ा सा मेकअप बाकी है वो हम उसके बाद कवर करेंगे। तो गाइस ये मैं पहले यहाँ से थोड़ा सा ऐसे अटैच कर लेती हूँ कि ऐसे भागे ना पीछे को। गाइस अब मैं हेयर स्टाइल बनाऊंगी, तो गाइस हमारा लुक है
न्यूली न्यूली मैरिड में सिंदूर ऐड करना तो कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम ऐसे सेंटर की मांग खोलेंगे। सेंटर की गाइस मांग खोलना, इसके बाद हमने इसमें सिंदूर अप्लाई कर लेना। बहुत लोग रेड करते हैं, बहुत लोग यहाँ ऑरेंज होता है, मेरे यहाँ भी ऑरेंज होता है। शादी के वन ईयर तक ऐसा कंपलसरी माना जाता है कि ऑरेंज ही लगाना है। तो पहले भाई यही लगा, बन बनाना है तो इसका मैं ये जो बन बनाते हुए यूज़ करते हैं इसको डोनट्स क्या बोलते हैं, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। जिसके बाद पतले हों या आसानी से बन बनाना हो उनके लिए ये कंपलसरी है। तो ये मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब मैं इसमें एक आधी पिन लगा लूँगी, ये लेना मतलब एक, ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ गाइस, ये दो बस मैंने यहाँ पे दो ऐसे पिन लगा ली। अब मैं हेयर स्टाइल बना देती हूँ, बालों की गाइस ऐसे कर लिए, ऐसे बालों से कवर कर लेना है। उसके बाद गाइस आप ये पतली सी रबड़ बैंड लो और इसको ऐसे बीच में से ऐसे लगा दो अच्छे से। उसके बाद बस ऐसे बालों को डिवाइड करना है, डिवाइड करके अब नॉर्मली ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे लगा दो, इसको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दो अच्छे से। ये जो बच्चा है इसको भी ऐसे फोल्ड करो, ऐसे इसको सिक्योर कर दो। इसको भी ऐसे सिक्योर कर दो। ये मैंने इसको गाइस ऐसे बना दिया। अब मैंने ये गाइस मेरा बन डन है और ये थोड़े जो आ गया इसका आप हेयर स्टाइल बना सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो फर्स्ट को, सेकंड आप यहाँ से कुछ भी करो। गाइस मुझे यहाँ पे ना वो लगाना है, माथा पट्टी लगाना है, तो मैं इसको छोटी छोटी बॉब प्रिंट्स के थ्रू पे लगाऊंगी ऐसे करके। ऐसे किया यस, गाइस ये आप किसी भी तरह सिक्योर कर सकते हो, बहुत बहुत तरह से जैसे आपको सूटेबल लगे। जैसे गाइस मैंने ये सिक्योर कर दिया और इसको कर्ल कर लो तो ये एक तो आपका यही मोस्ट फेवरेट हेयर स्टाइल हो जाएगा। नहीं कर सकते हो तो यहाँ से आप गुत भी कर सकते हो छोटी सी, मैं तो बस ऐसे ही करके कंघी कर लेती हूँ। गाइस ऐसे बाल थोड़े चिक्कू चिक्कू से हो रहे हैं, यहाँ से लिया ऐसे ऐसे इसको रोल किया और थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे ऐसे फुला दूंगी और इसके बाद ऐसे बन में ले जाके मिला देना है, सिक्योर कर देना हेयर पिन से या किसी चीज से, क्लिप लगा लो। ये मेरा कुछ आज का सिंपल सा और थोड़ा यूनिक सा हेयर स्टाइल। इसको भी यहाँ से ऐसे ऐसे रोल कर लो। गाइस यहाँ से तो मेरे बाल ही नहीं है, देखो यहाँ से मैं टकला हूँ पूरा, तो चलो कोई नहीं पर इसी से कवर कर लूंगी।
मैं एक छोटी सी पिन यहाँ लगा लेती हूँ कि पता ना चले मैं यहाँ से टकलूंगी। वैसे ये मैंने लगा लिया, अब ये बाल को मैं ऐसे बन में ही मैशअप कर दूंगी। मेरा हेयर स्टाइल तो डन है, आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताना। अब बाकी मैं नेकलेस में तो मैं ये पहनने वाली क्यूट सा है, इसमें वाइट पिंक गोल्डन सिल्वर और ये छोटे छोटे पर्ल्स लगे हुए, ये बहुत ही सुंदर और ग्रेसफुल लुक देता है, तो मैं आज ये ट्राई करने जा रही हूँ। बाकी आप कमेंट करके बताना इसके ऊपर ये कैसा लग रहा है। ये मैंने मीशो से बाय किया, मैंने ज्वेलरी कलेक्शन बनाया, वहाँ पे लिंक भी डाला, वहाँ से जाके बाय कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत ही अच्छा है, आप जाओ और चेक करो, मैंने लिंक डाल रखा है। आती है एयरिंग्स की, मैंने ये चोकर में देखो ये पहले इसमें वाइट पर्ल्स है, तो मैं एयरिंग्स भी कुछ आज ये वाइट पर्ल्स वाली पहनूंगी, इसमें बहुत ही अच्छा और ग्रेसफुल सा लुक आता है। ये बाहुबली एयरिंग्स होते हैं वैसे, पर बहुत ही सुंदर है ये बहुत ज़्यादा। ये कुछ ऐसा सा लुक आएगा, पहन के पहनो, सिंपली पहनो और बालों में उसको वो कर लो, बन के साथ तो बहुत अच्छा आएगा। गाइस ये कान में पहनना है कुछ ऐसे और इसके पीछे का लगा लो, और इसको बालों में फंसा लेगा, इससे बन फंसने वाला बना है। गाइस गाइस ये कितना सुंदर सा लुक लग रहा है। गाइस ये भी मैंने मीशो से ही ऑनलाइन परचेज किया था, बहुत ही मतलब ये मैंने अभी कल परसों ऐसे मैं इंस्टा स्वाइप करी थी, उसमें मैंने अमेजोन पे देखा था 700 प्लस का, और मैंने ये मीशो से लिए है 200 या 300 प्लस, मतलब हाफ रेट से ज़्यादा फर्क है, और प्रोडक्ट मतलब बिल्कुल सेम है। तो आप मीशो से जाओ और बायो करो, वैसे मैंने लिंक डाल रखी है ज्वेलरीज कलेक्शन में, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो, बाय कर सकते हो, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दिया है मैंने उसमें हर चीज़ का जो जैसा था, और गाइस बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही रिच और क्लासिक सा लुक भी देता है। तो गाइस प्लीज़ आपको मतलब ऐसे एक तो ये जो बाकी वो मैं पहन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं पहनूंगी अपना नथ पूरा फिल, मेरा लुक कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ फाइनली। तो गाइस आई मेकअप में थोड़ा सा मुझे नीचे ऐसे कलरफुल करना है जो मैंने लगाया था उसी कलर के, लोअर लैशेस पे ऐसे ऐसे कर लेना है, हल्का सा ही करूंगा इस, बाकी कॉर्नर पे आप यहाँ पे हाइलाइटर लगा सकते हो, ये बस थोड़ा सा। बाकी गाइस अब जो मेन है जिससे आपके फेस बहुत ज़्यादा अच्छा और यूनिक सा लगता है उसकी बारी है, तो ये आई लैसेस है, ये भी पूरा मैंने कॉम्बो ही मंगवाया था, इसमें 5 या 6 पीसेस थे, ये भी मैंने मीशो से मंगाया था, इसका भी लिंक मैंने डाल रखा है, वहाँ से जाके बाय कर सकते हो, बहुत अच्छा आया था, आप साइज अलग अलग मंगवा सकते हो, और मैं एक को कम से कम 2-3 बार तो यूज़ ही कर लेती हूँ, बाकी आप भी यूज़ कर सकते हो, बार बार तो नहीं, एक ले आई मतलब 2 या 3 बार तो हो सकता है अगर आप रख दो, बस ये गम चाहिए होता है आपको, खुल नहीं रहा इसे, तो यहाँ पे ऐसे इसको अप्लाई कर लो, दोबारा अप्लाई कर लो, एक बार तो बिना गम के भी अप्लाई हो जाता है गाइस, ये तो दोबारा यूज करो, तो इसके लिए गम चाहिए, गम लगाओ उसके, मैंने इसको ना थोड़ा सा ऐसे इसमें फूंक मार दो, इसको अपने साइज के अकॉर्डिंग कट कर सकते हो,
फिर ऐसे कट कर दो, उसके बाद ऐसे ऐसे करके फिर आप अप्लाई कर लो। गाइस ये देखो मेरे एक आँख में लग गया, दूसरे को भी मैं लगा लूँगी ऐसे सिंपली। वैसे तो बहुत इजी होता है, बस चिपका के थोड़ा सा हैंगर के रखो और प्रेस कर दो तो बहुत आसानी से लग जाता है। और गाइस हेयर स्टाइल तो बनी है, बस यहाँ से थोड़ी सी ऐसे फ्लिप्स स्लिप्स निकालो और एकदम मस्त। वैसे ये मेरा मोस्टली मेकअप डन है, आईज भी बहुत मतलब आप इसको लगाते हो उसके बाद आपको आईलाइनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मस्कारा यूज कर सकते हो हल्का सा, लोअर लैसेस पे भी अपर लैसेस पे भी, लोअर लैसेस पे भी कर लो। गाइस अब बस लास्ट बाकी है, वो मैं नोज पिन पहनूंगी और मेकअप, मेरा पूरा मेकअप लुक डन है। तो नोज पिन भी ऐसे ही है, आप सिंपली सी ऐसे पहनो। गाइस ये मेरा फाइनली पूरे अच्छे से मेकअप लुक डन है, तो मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आप। और ये मेरे प्यारे से इयररिंग्स, सबका लिंक मैंने वहां पे दे रखा है, आप वहां से जाके बाय कर सकते हो। सबका लिंक गाइस मैंने वहां दे रखा है, वहां से जाके बाय कर सकते हो। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।